राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आप अगर चाहते हैं कि कमल अपने घर पे उगाएं छत पे, तो देखिए आसान सी वीडियो। मैंने पहले कमल गट्टे से कमल का प्लांट उगाने बताए थे, अब एक प्लांट मैंने जैसे लगाए हैं उनसे ये सैकड़ों प्लांट तैयार हो रखे हैं। अब इनको मैं कैसे अलग करके और इससे हम फूल पा सकते हैं, ये वाली वीडियो आपको मैं बता सिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने एक डब्बा ये लिया है, इसमें मैंने शुरू में डाला है थोड़ा सा गोबर का खाद। बिल्कुल देख रहे हैं कितना काला हो रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें डालनी है अपने गार्डन की मिट्टी, ये प्लेन। इसमें हमें किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करना है, क्योंकि पौधा चेंज करेंगे तो पहले स्टेज में आएगा वहाँ से हटा अलग होने से, तो इसमें हमें कुछ डालना ही नहीं है। और फिर ऊपर से हमें डाल रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा रिवर सैंड, ये हमने डाल दिया है। अब हम इसको पौधे को निकालते हैं इसमें से, ये बहुत सारे पौधे इसमें इकट्ठे हो रखे हैं। देखिए ये जड़ के साथ हमने एक कमल नाल को ऐसे निकाल लिया है, और इसके हम इसे बीचों बीच में लगाएंगे, आप देख रहे हैं ना ये। और इसमें थोड़ा थोड़ा हम रेत और डाल देंगे। रेत से क्या होगा ना, जो हमारा पौधा है ना वो मिट्टी ऊपर नहीं आएगी, और जो क्योंकि इसके पौधे में पानी चाहिए साफ ऊपर। और अब इसमें हम भरेंगे पानी। ये देखिए जो बर्तन इसमें मैंने बाहर रखा है फिलहाल, इसमें भी पानी भरेंगे, और इतना पानी भरेंगे कि ये जो इसकी मिट्टी है ये भी पूरी पानी में डूब जाएगी। ये देखिए हमने इसको अब पानी से पूरा भर दिया है, और ये अब इसका पानी की पकड़ में आ जाएगा, और जो रेत है ना वो नीचे ही बैठा रहेगा। रेत हमने डाला इसलिए क्योंकि रेत की वजह से, जैसे इस मिट्टी में मैंने रेत नहीं डाला था। ये देखिए सारी रेत नीचे बैठ गई है और हमारा पौधा लग गया है। अब हमें इसमें बस पानी का ध्यान रखना है कि पानी भर के रखना है, 8 दिन तक कुछ नहीं करना है, और हर महीने इसका पानी हम चेंज करते रहेंगे, क्योंकि पानी में क्या लगता है कमल में फंगस लग जाता है। और अभी इसमें हमें खाद भी कुछ नहीं डालना है फिलहाल, हमको ऐसे छोड़ना है। जब हमारा ये अच्छे से चल के ग्रो हो जाएगा और चारों तरफ इसकी स्टैम्प, बड़ी बड़ी स्टैम्प आ जाएंगी, उसके बाद जब इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें लगाना घरेलू, कि इसमें आपके बहुत सारे फूल आए कमल के। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस मेथड से आपने कमल का पौधा लाकर अगर बाज़ार से लगाया, भी बाज़ार में नर्सरी में तैयार मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे दिवाली तक आपके कमल पर फूल आ जाएंगे। देखिए हल्की इसकी बड्स बननी शुरू हो गई हैं इसमें, जहाँ से मैंने निकाला है। पर आप लाएंगे तो शायद ना मिलेंगी बड्स, तो पर आपको एक कमल का पौधा मिलेगा, तो आप अपने घर में दिवाली पर कमल लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी एक यहाँ से निकल रही है पर्स। तो जय श्री कृष्णा, लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिएगा और लाइएगा अपने घर में कमल उगाइएगा। फिर किसी जानकारी के साथ कृपया वीडियो को पूरा देखें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। सबके यहाँ लक्ष्मी माता आएँ प्रसन्न होकर के। फिर किसी जानकारी के साथ, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता।